हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत करते हैं हम। आज का जो टॉपिक है यह है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जॉलजी में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है हमें पढ़ना है। जो तो स्टार्ट करते हैं हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्माइट्स के अंदर किस तरह से होता है और इसका क्या फंक्शन होता है, आज हम इसी पे ऊपर बात करेंगे। वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम एकाइनोडर्माइट्स को अगर हमें पढ़ना हो तो सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है हम स्टार फिश की लेते हैं। स्टार फिश से हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है इसका क्या किस तरह से होता है, बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। ठीक, देखिए आपको पहले मैं बताता चलूं कि जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है ये लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, बॉडी अटैचमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और क्योंकि जो लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, बॉडी अटैचमेंट, रिप्रोडक्शन है ये वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम ही की वजह से एकाइनोडर्माइट्स के अंदर पाई जाती है। जो भी ये करेक्टर्स है ये एक यूनिक फीचर है जो कि एकाइनोडर्माइट्स के अंदर पाया जाता है। इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहली बात, जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है ये मॉडिफाइड पार्ट है सिलोम का। किसका? बॉडी के अंदर जो सिलोम है, सिलोम का जो ये मॉडिफाइड पार्ट है। ओके, अब कोई पूछेगा सर वो सिलोम क्या होता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अक्सर है तो ये बेसिक चीज, ठीक है। सिलोम जो होता है ये मेन बॉडी कैविटी होती है बहुत से एनिमल्स के अंदर, ठीक है, जो कि इनसाइड द बॉडी होती है और ये सराउंड करता है और सराउंड और कंटेन करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बहुत से जो ऑर्गन्स हैं ये सिलोम क्या करता है, ये सराउंड करता है, ठीक है ना। तो बहुत से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी सिलोम ही की वजह से जो है ये आगे आते हैं। इसको हम एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं, इसको दूसरा नाम जो है एम्बुलेक्रल सिस्टम भी है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे जो कैरेक्टर आप देख सकते हैं वो हमने क्या लिखा है, वो हमने लिखा है पीक्यूलियर। पिक्यूलियर की मीनिंग क्या होता है? पिक्यूलियर टू एकाइनोडर्माइट्स। पिक्यूलियर का मतलब ये होता है कि ये अजीब से, ये अलग से, ऐसे ऐसे होते हैं कि ये अलग से दिखते हैं एकाइनोडर्माइट्स के अंदर। कंसिस्टिंग ऑफ सी वाटर फ्लूइड कैनाल्स एंड सर्टेन कॉर्पसेस। देखिए ये इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सी वाटर होता है। इसके अंदर जो ये हम पढ़ रहे हैं वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर क्या होते हैं, ये सी वाटर फिल्ड होते हैं कैनाल्स के अंदर और बहुत से जो कॉर्पसेस होते हैं, कॉर्पसेस भी यहाँ पे होते हैं। किसके अंदर? वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम के अंदर। ओके, ये देखिए तो कॉर्पसेस का मतलब क्या होता है? कॉर्पसेस का मतलब होता है जो कि माइन्यूट बॉडी या सेल जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं कॉर्पसेस, ठीक है ना। ये स्पेशली रेड भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं, ठीक है ना। खासकर जो हम अपनी बात करें, हमारे जो कॉर्पसेस हैं व्हाइट भी हैं, आरबीसी भी हैं, डब्ल्यूबीसी भी हैं। तो ये बेसिक कंस्टिट्यूट होता है ऑफ मैटर या हम लाइट कहते हैं, ठीक है ना, ये जो कॉर्पसेस होते हैं, ठीक है ना। जो हम आप कह सकते हैं कि जो ये होते हैं ये बेसिक कंस्टिट्यूट ऑफ मैटर होते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। इसके अंदर कौन कौन सा जो पार्ट है वो एसेंशियल है? सबसे पहले है मैड्रोपोराइट, फिर है स्टून कनाल, फिर है रिंग कनाल, फिर है रेडियल कनाल, टाइट मींस बॉडी, पोलियन वेसिकल्स, लेटरल कनाल्स, ट्यूब फीट। ये जो आठ है ना, इस आठ जो है, इन आठ को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तब जाके जो आपका जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है वो आपका सही हो सकता है, ठीक है। मैड्रोपोराइट, स्टून कनाल, रिंग कनाल, रेडियल कनाल, टाइट मींस बॉडी, पोलियन वेसिकल्स, लेटरल कनाल्स, ट्यूब फीट। जो ये आठ है ये है आपको इसके अंदर पढ़ने हैं वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम के अंदर जो पार्ट है। ये देखिए, ये है मैड्रोपोराइट, एम्फूला, ये है स्टून कनाल, ये देखते हैं पोलिन वेसिकल्स, रिंग कनाल, लेटरल कनाल, रेडियल कनाल, टेट्समिन बॉडी, ठीक है ना। ये आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए तब जाके आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें इसी के बारे में आगे पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं मैड्रोपोराइट, ये वाला, ये देखो आप, हम ये वाला देखते हैं, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट हम सबसे पहले देखते हैं। मैड्रोपोराइट इज राउंडेड कैलकोरी स्प्लिट। आपने देखा पिक में भी देखा कि ये बिल्कुल क्या होते हैं, ये राउंडेड होते हैं और ये कैलकेरी स्प्लेट्स होती है। कैलकेरिस का मतलब क्या होता है? कैलकेरी स्प्लेट का मतलब होता है कि जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट हो या फिर चौकी स्ट्रक्चर हो, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं कैलकेरिस। प्रेजेंट ऑन द एबोरल सरफेस ऑफ द सेंट्रल डिस्क इन इंटरराइडियल पोजिशन। उसके बाद यहाँ से हमें एक वर्ड आता है एबोरल सरफेस।
एबोरल सरफेस क्या होती है, ठीक है ना, एबोरल जो सरफेस है उसके क्या मतलब होते हैं। देखिए, जो एबोरल सरफेस होती है ये होती है जो कि बिल्कुल अपोजिट हो माउथ की, ठीक है ना, जो माउथ की अपोजिट में जो पार्ट होता है ना उसको हम कहते हैं एबोरल सरफेस जो होती है, ये मेट्रोपोराइट, अब समझ जाओगे आपके मुंह के अपोजिट में ये होती है। इट्स सरफेस बेयर्स ए नंबर ऑफ रेडिएटिंग नैरो स्ट्रेट और वेवी ग्रूव्स और फोरस। इसके सरफेस में क्या होते हैं, बहुत सारे जो नैरो स्ट्रेट ग्रूव्स होती हैं, या हम इसको फोरस भी कहते हैं। ईच फोरो कंटेन मेनी माइन्यूट पोर्स एट इट्स बॉटम, और हर फोरो के साथ में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं उसके बॉटम में। ईच पोर लीड्स इनटू वेरी शॉर्ट फाइन ट्यूबुलर पोर्स, और हर जो पोर है वो एक शॉर्ट फाइन ट्यूबुलर पोर क्या करता है, वहां पे जाता है, जिसको हम बोलते हैं किनाल। क्या बोलते हैं, किनाल। विच पासिस इनवर्ड्स इन द सबस्टांस ऑफ द मेट्रोपोराइट, जो कि पास करता है सबस्टांस को कहां कहां से, मेट्रोपोराइट से, ठीक। देयर मे बी अबाउट 200 पोर्स एंड पोर, कम से कम 200 पोर्स या पोर होते हैं, ये होते हैं कनाल्स, ठीक है ना। द पोर कनाल्स यू नीड टू फॉर्म द कलेक्टिंग कनाल्स, जब ये पोर्स जो होते हैं, जब ये पूरे मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कलेक्टिंग कनाल्स बनाते हैं। विच ओपन्स इन टू एन एम्पुला बीनीथ द मेट्रोपोराइट, जो जाके एक एम्पुला की तरफ से जाके ओपन होते हैं। देखिए ये देखिए, ये है मेट्रोपोराइट, ये है एम्पुला, ये पूरा एक सरफेस होता है, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या है, एम्पुला, स्टोन कनाल से ऊपर है एम्पुला, एम्पुला से ऊपर आता है मेट्रोपोराइट। ये देखिए ये मेट्रोपोराइट है, मेट्रोपोराइट आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टोन कनाल आता है, यहाँ पे एम्पुला है, ठीक। ये आप देख सकते हैं पूरा, ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन एस्टेराइस जो है, एस्टेराइस आप एस्टेराइस के अंदर आप देख सकते हैं ये है जो है, ठीक है। ये जो ग्रूव्स हैं ये आप देख सकते हैं किसके अंदर, ये मेट्रोपोराइट है, ये मेट्रोपोराइट को दिखाया गया है, ठीक है ना। जो मेट्रोपोराइट का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से दिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाएगा। और ये जो है डायग्राम सी जो है, ये वर्टिकल सेक्शन है कहाँ का, एस्टेरियास का, और ये डी पार्ट है, आप ये देख सकते हैं ट्यूब फुट का जो है, जहां से एस्टेरिस के अंदर नर्व सेल्स क्या होते हैं, नर्व सप्लाई होता है, ठीक। स्टोन कनाल क्या होता है, ये एस शेप्ड होती है, और वॉल्स जो होते हैं स्ट्रेटन बाय सीरीज ऑफ कैल्कोरीज रिंग्स, ओके। कैल्कोरीज का भी आपको मैंने बताया, कैल्शियम कार्बोनेट जो बने हुए होते हैं, और जो ये इंटरनली लाइंड विद सीलिया, सीलिया के साथ ये सीलिया से ही ये लाइनड होते हैं। ड्रॉज द सी वाटर फ्रॉम आउटसाइड इनटू द कनाल, सी वाटर को आउट करते हैं इनटू द कनाल, कौन करते हैं, ये स्टोन क्रॉस, स्टोन क्रॉस जो है ये सी वाटर को आउटसाइड इनटू द कनाल क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। वन एंड ऑफ दी ओपन टू दी आउटसाइड थ्रू दी मेट्रोपोराइट, एक एंड होता है जो कि ओपन होता है आउटसाइड किससे, मेट्रोपोराइट की वजह से, तरफ से, ओके। और जो दूसरा होता है ये रिंग कनाल, एक साइड इसका मेट्रोपोराइट आता है, दूसरा रिंग कनाल आता है, बीच में आता है स्टोन कनाल। देखते हैं ये आ गया स्टोन कनाल, ठीक है, ये स्टोन कनाल के अंदर क्या आता है, ये आ गया रिंग कनाल, और ऊपर क्या आ गया मेट्रोपोराइट, ठीक। द ल्यूमन ऑफ द स्टोन कैनाल इज ऑक्यूपाइड बाई रिच विद स्पाइरली कॉइल्ड लैमिला, और जो ल्यूमन है किसका, स्टोन कैनाल का, ये एक रिच विद स्पाइरली कॉइल्ड। अब देखिए रिंग कैनाल, रिंग कैनाल क्या होता है, इट इज ए वाइड पेंटागोनल रिंग लाइक वेसल लाइंग अराउंड द माउथ, ये क्या है रिंग कैनाल। ये आप देखिए पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ये है रिंग कनाल, ये है रिंग कनाल, ये है माउथ, ठीक है ना। उसके बाद रेडियल कनाल्स क्या होते हैं, ये है रेडियल कनाल्स, देखिए आप रेडियल कनाल देख सकते हैं। फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस द रिंग कनाल गिव्स ऑफ 5 रेडियल कनाल्स वन एंटरिंग ईच आर्म, ये कहते हैं अब आउटर सरफेस को अगर आप देखोगे ना, रिंग कनाल की जो आउटर सरफेस को देखोगे, वहां से 5 रेडियल कनाल वहां से निकलती हैं, जो कि हर आर्म्स के अंदर जाती हैं। जो रेडियल कनाल होती हैं रन्स अप द टू द टिप ऑफ द आर्म्स एंड एंड इन द टर्मिनल टेंटिकल्स, ठीक है। टाइड मींस बॉडी, टाइड मींस बॉडी क्या होता है, टाइड मींस बॉडी देखिए, टाइड मींस बॉडी द रिंग कैनाल गिव्स आउट इंटर
रेडली नाइन स्मॉल येलोविश इरेगुलर और राउंडेड ग्लैंडुलर बॉडीज कॉल्ड रेजमोस और टाइमिट्स बॉडी फ्रॉम इट्स इनर मार्जिन्स। देखिए जब रिंग कनाल्स को आप देखोगे, रिंग कनाल्स से ही नाइन बिल्कुल नौ जो हैं वो स्मॉल येलोइश कलर के इरेगुलर भी होते हैं, कुछ राउंडेड ग्लैंडुलर बॉडीज होती हैं जिनको हम रेजमोस भी कहते हैं और टाइमिट्स बॉडी कहते हैं जो कि इनर मार्जिन की तरफ से होते हैं। ठीक है, जो टाइमिट्स बॉडी होती है रेस्ट अपॉन दी प्रिस्टियोमियल रिंग ऑफ ओसिकल्स, तो ये और दे प्रोड्यूस फैगोसाइट्स। टाइड जो मेन का जो बॉडीज का जो काम होता है, ये टाइड मेन जो क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है फैगोसाइट्स, ये जो है ना अंदर की तरफ से, ये होती है टाइड्स मेन बॉडीज। कितनी होती है? एडेड नंबर, ये वाला ये एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पांच, यहाँ पे छह, यहाँ पे सात, यहाँ पे आठ, ये अंदर से होती है टाइड मेन बॉडी। ठीक है ना, फैगोसाइट्स का जो मेनली जो फंक्शन होता है आपको पता ही है, वो क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, जो फैगोसाइट्स जो होते हैं ये इनेट इम्यून सिस्टम के अंदर, ये इसका पढ़ते हैं फैगोसाइट्स के बारे में। उसके बाद देखते हैं हम पोलियन वेसिकल्स। पोलियन वेसिकल्स जो होते हैं, द रिंग कनाल बियर्स ऑन इट्स आउटर साइड फाइव पेयर शेपर स्ट्रक्चर कॉल्ड पोलियन वेसिकल्स। आपको पहले दिखाता हूँ मैं पोलियन वेसिकल्स, तो हम देखेंगे अब पोलिन वेसिकल्स क्या होते हैं। द रिंग कैनाल बेयर ऑन इट्स आउटर साइड फाइव पेयर शेपेड स्ट्रक्चर कॉल्ड पोलिन वेसिकल्स। देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ पोलिन वेसिकल्स, पहले हम पोलिन वेसिकल्स देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं उसके आगे का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये देखिए ये टाइड मीन्स बॉडी है, ये है पोलिन वेसिकल्स, ये जो है ना ये पोलिन वेसिकल्स है। आपने देखा होगा जो ये टाइड मेंस बॉडीज जो है ना, ये इसी के साथ में यहाँ से निकलता है पोलिन वेसिकल्स, और आपको दिख रहा होगा ये जो पोलिन वेसिकल है ये क्या है, पेयर शेप्ड है। क्या होता है ये पेयर शेप्ड होता है। ठीक, तो ये क्या होते हैं, फाइव पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर इंटरनेडली अरेंजेड, आपने देखा ये इंटर जो होते हैं ये अरेंजेड होते हैं, और ये रेगुलेट करते हैं प्रेशर इनसाइड एम्बुलेक्रल सिस्टम। ठीक है, पोलिन वेसिकल्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ये प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, कहाँ पे, जो एम्बुलेक्रल जो सिस्टम है, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर, इसको प्रेशर को जो है रेगुलेट करना, और एमोबाइड सेल्स जो होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करना, ये पोलिन वेसिकल्स का मेन फंक्शन होता है। ठीक है ना, उसके बाद लैटरल कैनाल्स। लैटरल कैनाल्स क्या होती है, इन ईच आर्म्स द रेडियल कैनाल गिव्स आउट टू सीरीज ऑफ शॉर्ट नैरो ट्रांसवर्स ब्रांच कॉल्ड लैटरल पोलियन कैनाल्स। अब मैं आपको उस लैटरल कैनाल्स को दिखाने से पहले ये बात बताऊं कि जो ये होती हैं लैटरल कैनाल्स, ये प्रिवेंट करती हैं जो बैकवर्ड फ्लो होता है ना फ्लूड का, उसको इनटू द रेडियल कैनाल्स, इसको क्या करती है, ये प्रिवेंट करती हैं लैटरल कैनाल्स। चलो हम देखते हैं पहले लैटरल कैनाल्स क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं। ये देखिए ये होती है लैटरल कैनाल। ठीक है, ये एम्पूला है, ये लैटरल कैनाल है। लैटरल कैनाल के जो साथ में एंड में क्या होता है, सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, और एम्पूला के ही आप देख सकते हैं इसी के अंदर जो हो रेडियल कैनाल जो है, और ये लैटरल कैनाल है। लैटरल कैनाल का आपने देख लिया ये क्या फंक्शन होता है, ये जो बैकवर्ड होता है प्रेशर जो होता है ना, जो बैकवर्ड नहीं होने देता है इसको। ठीक है ना, ये था इसका लैटरल का, लैटरल कैनाल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब है एट्थ, जो लास्ट है वो है ट्यूब फीट। ट्यूब फीट जो है इसके तो बहुत फंक्शन है। ठीक है, पहले हम ट्यूब फीट के बारे में पढ़ेंगे फिर आपको बताएंगे। देयर आर फोर रोज ऑफ ट्यूब फीट इन ईच एम्बुलेक्रल ग्रू। हर एक एम्बुलेक्रल जो ग्रू है उसके अंदर चार रोज होती है ट्यूब फीट के अंदर। ठीक है, ट्यूब फीट की कितनी होती है, एम्बुलेक्रल ग्रो के अंदर ट्यूब फीट की चार रोज होती है, चार। और ए ट्यूब फूट इज ए हॉलो होता है, इलास्टिक होता है, थिन वॉल्ड होता है, सिलेंडर ऐसा लगता है कि क्लोज्ड सिलेंडर है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ एन अपर सैक लाइक एम्पूला, मिडल टेबुलर पोडियम, लोअर सकर। ऊपर वाला जो पार्ट होता है एम्पूला होता है, बीच वाला जो होता है ये पोडियम होता है,
और जो लास्ट पे होता है लोअर वो होता है सकर, ये होते हैं ट्री फ्रूट के पार्ट। जो मसल फाइबर्स ये होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वॉल्स के अंदर, जो ट्यू फीट होता है ये सबसे जो उसका मेन काम होता है वो होता है लोकोमोशन और रेस्पिरेशन। ठीक है, ये समझ लो लोकोमोटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है किसके अंदर, स्टार फिश के अंदर। तो हम देखते हैं आप ट्यू फीट के बारे में देखते हैं अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, ये देखिए ये है ट्यूब फीट, ट्यूब फीट ये है। ठीक है, ट्यूब फीट की आप देख सकते हो सीलिया, ये जो है ना ये सीलिया मौजूद है यहाँ पे, इन्हीं की वजह से तो ये पूरा फंक्शनल होते हैं, इसमें लोकोमोशन रेस्पिरेशन पूरे इन्हीं की तरफ वजह से होते हैं, जो ये सीलिया होते हैं ना ट्यूब फीट, ये होते हैं ट्यूब फीट। ठीक है, देखा आपने आप। चलो जी, हम बात करते हैं अब फंक्शंस की। पहला फंक्शन जो है एम्बुलेटरी सिस्टम का वो क्या है, वो है लोकोमोशन। द इनर वॉल ऑफ द वाटर वेस्कुलर कैनाल आर प्रोवाइडेड विद सीलिया। अभी हमने आपको बताया जो इनर वॉल होती है वाटर वेस्कुलर कैनाल की, उसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जब सीलिया बीट होता है, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, जो सी वाटर होता है ये मैड्रोपोराइट्स जो होते हैं वहां से इंटर होता है। उसके बाद फाइनली क्या होता है, जो सी वाटर है ये ट्यूब फीट के अंदर पहुंच जाता है एंड देयर एम्पुला, और एम्पुला के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है जहां से ये लैटरल्स के नाल्स के अंदर जाता है, और लैटरल्स और ट्यूब फीट के अंदर वहां पे रेडियल कैनाल्स की तरफ चला जाता है। वाटर जो है ये उसके बाद क्या होता है, पोडिया की तरफ चला जाता है। पोडिया जो है ये इलोंगेटेड होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है मॉलिक्यूलर ग्रुप को। ठीक है ना, तो उसके बाद जो सकर्स होते हैं ये अप्लाई टू द सबस्ट्रेटम, जो ट्यूब फीट है ये कॉन्ट्रैक्ट और पुश करता है बॉडी को फॉरवर्ड की तरफ। जो वाटर है ट्यूब फीट के अंदर ये एम्पुला की तरफ चला जाता है, तो वहां से जो ट्यूब फीट जो होता है वहां पे सकर्स जो है वो रिलीज होते हैं। तो उसके बाद जो एम्पुला फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये जो प्रोसेस है ये पूरी की पूरी दोबारा से दोबारा रिपीट होती है। दूसरा जो फंक्शन है ये फूड कैप्चर का, जो ट्यूब फीट होते हैं ये फूड को कैप्चर करने के लिए बहुत काम आते हैं। जो सकर्स जो होते हैं वहां पे वो यूज होते हैं मोलस्कस के अंदर शेल्स को ओपन करने के लिए भी। अटैचमेंट की अगर हम बात करें तो ये स्टार फिश जो है ये ऑराक्स के साथ भी अटैच होती है। किसकी वजह से होती है, ये ट्यूब फीट ही की वजह से होती है। तो ये था हमारा टॉपिक आज जो हमने कंक्लूड किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जहां से आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिखिए, कौन सा टॉपिक आपको ज़रा पढ़ना है इंपॉर्टेंट है वो भी आप कमेंट में कीजिए लिखिए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा वो टॉपिक लाने के लिए, ताकि जो कोई भी बंदा जो टॉपिक बोलेगा वो उसके लिए टॉपिक हाजिर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह देखते रहिए आप टीचिंग बायोलॉजी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।